हेलो स्टूडेंट्स, श्री सिद्धि विनायक एजुकेशन ट्रस्ट के स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मदन लाल सारन आपके सामने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग्रेजी का टॉपिक लेकर, अंग्रेजी ग्रामर का टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। टॉपिक है नरेशन, या इसका दूसरा नाम है स्पीच, हिंदी में बोलते हैं इसको कथन। ये दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच, दूसरा जो इसका प्रकार है वो है इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम इसके बारे में जानेंगे, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब है वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों लिख देना, ये डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, He said to me, I am going to school. He said to me, I am going to school. ये जो स्टेटमेंट है ये डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच के भी दो भाग होते हैं, एक तो कोमा के पहले वाला भाग और दूसरा इन्वर्टेड कोमाज के अंदर वाला भाग। जो कोमा से पहले वाला भाग है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और ये जो है इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ये हो गया डायरेक्ट स्पीच, और एग्जाम के अंदर या इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है। इनडायरेक्ट स्पीच का पहले मतलब वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों के भाव को प्रकट करना, वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों के भाव को लिखना, ये इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट को, जैसे मैं अभी इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में मैं बदलने जा रहा हूं, कैसे, जैसे ही told me that he was going to school। अपन जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो चार या पांच इसके मेजर रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना होगा। उन रूल्स की मदद से हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। सबसे पहला इसका रूल होता है, वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करना। सबसे पहला होगा टेंस में परिवर्तन। किस प्रकार से परिवर्तन इसमें होता है वो हम बात सबसे पहले करेंगे। जैसे ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है तीन टेंस में होती है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जब ये प्रेजेंट टेंस में होगी तो रिपोर्टिंग वर्ब से या सेज दिया होगा, जब ये पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टिंग में सेड होगा, और अगर ये फ्यूचर में होगी तो सेल या विल प्लस से दिया होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। परिवर्तन उस समय करेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई हो। दोनों का एक एक उदाहरण देता हूं मैं, ताकि आपको इसे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सी सेज आई एम ए स्टूडेंट, सी सेज आई एम ए स्टूडेंट। इस वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है,
इसमें मैंने कहा है जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन अपन लोग नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा सी सेज दैट, सी इज ए स्टूडेंट, सी सेज दैट सी इज ए स्टूडेंट, यानी यहां भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, यहां भी ये प्रेजेंट सिंपल ही टेंस रह गया है, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। यही वाक्य अगर इसी वाक्य में अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो जैसे सी सैड आई एम ए स्टूडेंट, ये वाक्य दिया है, इट मीन्स यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई है। पास्ट टेंस में दी गई है तो इस वाक्य को कैसे लिखेंगे हम, सी सैड दैट सी वॉज ए स्टूडेंट, ये इतना फर्क आ गया। इसमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं था, प्रेजेंट सिंपल में ही रहा है, जबकि यहां पर जो प्रेजेंट सिंपल है ये पास सिंपल में बदल गया है। तो इस प्रकार से हम यहां पर जो मैं मुख्य चर्चा हम करने जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी यही है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई है तो किस प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच में हम के टेंस में हम परिवर्तन करते हैं, इस बारे में हमने चर्चा करनी है। तो इसी को लेकर मैं अब एक छोटा चार्ट बनाऊंगा। यहां पर मान लो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो ये बदल जाएगा पास सिंपल टेंस में, अर्थात फर्स्ट फॉर्म दी हुई है वो सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी, या यहां पर इज एम आर है वो भी वोज या वर में बदल जाएंगे। प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर वो वोज वर में बदल जाएंगे, अगर फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो वो सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी। जैसे सी सेड टू मी, सी सेड टू मी आई राइट ए लेटर, सी सेड टू मी आई राइट ए लेटर, तो सी टोल्ड मी दैट सी रॉट ए लेटर, प्रेजेंट सिंपल में थी, फर्स्ट फॉर्म थी, किस में बदल गई, सेकेंड फॉर्म में बदल गई। इसी प्रकार से इसका जो नंबर दो है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिया गया है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगी, अर्थात मैं यहां कह सकता हूं इज या एम या आर प्लस आई एन जी है तो वो वोज या वर प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब में बदल जाएगा। इसी वाक्य को दोबारा लेते हैं, जैसे सी सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर, सी सेड टू मी I am writing a letter, तो she told me that she was writing a letter. तो present simple, past simple में, present continuous, past continuous में। इसी प्रकार से अगर reporting verb present perfect में दी हुई हो तो वो बदल जाती है पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में इसी वाक्य को मैं लिखता हूं, जैसे सी सेड टू मी, सी सेड टू मी आई हैव रिटन ए लेटर, सी सेड टू मी आई हैव रिटन ए लेटर,
दैन जोन एंड रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया है. जब रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में होगा तो हम उसे पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे. जैसे सी टोल्ड मी दैट सी हैड रिटन ए लेटर. प्रेजेंट परफेक्ट बदल गया पास्ट परफेक्ट में. इसी प्रकार से अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता. उदाहरण लिखता हूं, सी सेड टू मी आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स. फॉर 2 आवर्स तो क्या हो जाता, सी टोल्ड मी दैट सी एज है किसमें बदलेंगे, हैड में. सी हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स. तो प्रेजेंट सिंपल बदला हमने पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदल दिया पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट बदला पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदला हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. इसी प्रकार से अगर पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट सिंपल हो, रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट सिंपल टेंस में हो तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं. जैसे जैसे सी सेड टू मी आई रॉट ए लेटर. सी सेड टू मी आई रॉट ए लेटर. तो सी टोल्ड मी दैट पास्ट सिंपल टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट में. पास्ट सिंपल बदलेगा पास्ट परफेक्ट में. तो पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म होती है, पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस थर्ड फॉर्म होती है. तो यहां पर रो रिटन में बदल जाएगा. तो दैट सी हैड रिटन ए लेटर. तो पास्ट परफेक्ट सिंपल बदल गया पास्ट परफेक्ट में. अगर पास्ट कंटिन्यूअस है वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. तभी उदाहरण लिखता हूं मैं, सी सेड टू मी आई वॉज राइटिंग ए लेटर. सी टोल्ड मी दैट सी हैड बीन राइटिंग ए लेटर. ये टेंस के अकॉर्डिंग टेंस में परिवर्तन हो गया अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी हुई है. प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल में हम टेंस में परिवर्तन नहीं करते. जबकि जब पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब दी हुई हो, रिपोर्टिंग वर्ब दी हुई हो, तो हमने इस प्रकार से इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करना है. इसके अलावा अगर रिपोर्टेड स्पीच में शैल या विल दिया हुआ हो तो हम उसे हमेशा ही वुड में बदल देंगे. शैल या विल को वुड में बदल देंगे, कैन को कुड में बदल देंगे और मे को माइट में बदल देना है. उनमें से एक उदाहरण मैं लिखता हूं, जैसे सी सेड टू मी I shall write a letter. She said to me, I shall write a letter. She told me that she would write a letter. क्या हो जाएगा, She told me that, क्योंकि shall और will दोनों किसे बदला हमने, would में. So that she
would write a letter. इसी प्रकार से अगर can दिया है तो could में, may दिया है तो might में. इसका मैं एक can वाला उदाहरण आपको करवा देता हूं. जैसे she said to me, I can write a letter. तो she told me that she could write a letter. तो can, could में, may यहां पर होता तो might हो जाता, shall will दोनों would में बदल जाएंगे. तो ये जो हमने पहला बड़ा क्या है मेजर रूल किया वो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई हो तो किस प्रकार से रिपोर्टेड के टेंस में हम प्रयोग करते हैं. ये पहला इसमें रूल दिया है. दूसरा जो रूल है वो है रिपोर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब व रिपोर्टेड स्पीच को आपस में जोड़ना. दूसरा जो मुख्य नियम है वो है कनेक्टिव का प्रयोग. कनेक्टिव का प्रयोग मैंने शुरू में जब आप ये शुरू कराया था उसी समय मैंने बोला था कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसके दो भाग होते हैं. पहले वाला भाग रिपोर्टिंग वर्ब और बाद वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच. तो रिपोर्टिंग जो है उसको रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच में हम कोई न कोई कनेक्टिव का प्रयोग जरूर करते हैं. तीन मुख्य कनेक्टिव होते हैं दैट इफ और टू. एक स्थिति ऐसी भी आएगी जब हम कोई कनेक्टिव प्रयोग नहीं करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे दैट, दूसरा इफ और तीसरा टू. तो हमने किस किस प्रकार के पहले हम बात करेंगे दैट का प्रयोग. नंबर एक रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव है अर्थात अफर्मेटिव है तो हम दैट का प्रयोग करेंगे. यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ है तो ऐसी स्थिति में भी हम दैट का प्रयोग करेंगे. तीसरा अगर विश या प्रे यानी प्रार्थना की गई हो इस स्थिति में एक्टिव वाक्य में भी हम दैट का प्रयोग करेंगे. यदि दिया गया एक्सक्लेमेटरी ऑफ साइन का है एक्सक्लेमेशन ऑफ साइन का है ऐसी स्थिति में भी हम दैट का प्रयोग करेंगे. एक्सक्लेमेशन में क्या होता है जैसे एकदम हर्ष होना खुशी होना दुख होना कोई चीज को आश्चर्य होना ऐसे वाक्य सारे क्या कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन कहलाते हैं. तो इसमें भी हम किसका प्रयोग करेंगे दैट का प्रयोग करेंगे. यूनिवर्सल ट्रुथ में दैट का प्रयोग करेंगे. विश और प्रे वाले में दैट का प्रयोग करेंगे. प्रण वाक्यों में दैट का प्रयोग करेंगे. सार्वभौमिक सत्य वाक्यों में हम किसका प्रयोग करेंगे दैट का प्रयोग करेंगे. अगला जो इसमें अगर सुझाव दिया गया हो यानी रिपोर्टेड स्पीच अगर लेटर्स से शुरू हो रहा है ऐसी स्थिति उन वाक्यों में भी कनेक्टिव के रूप में हम दैट का प्रयोग करेंगे. यहां मैंने दूर हैं एक तो रिपोर्टिंग वर्ब के अगर पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में परिवर्तन कैसे करना है. दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को आपस में इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे जोड़ना है उसमें केवल अभी इसमें एक मैंने दैट का प्रयोग किया है. दूसरा है इफ और टू इनका प्रयोग मैं भी में करवाऊंगा आपको.